टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 10.1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। एक लकड़ी की स्ट्रिप की लंबाई क्या होगी, कब टू रिक्वायर टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने दिया क्या है, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, वो मिली हमें 32 सेंटीमीटर। उसके बाद मिली हमें ब्रेथ, वो गिवन दे रखी है 21 सेंटीमीटर। पूछा गया है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, देखो फोटो फ्रेम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, फोटो फ्रेम की। हमें पता है फोटो फ्रेम में लकड़ी की स्ट्रिप या प्लास्टिक की स्ट्रिप जो भी है वो उसकी बाउंड्री पर लगती है। इट मींस हमें नो डाउट क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर निकाल दें, लेंथ कह दिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर भी लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने पेरीमीटर। तो चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था अपना, पेरीमीटर एल प्लस बी था ब्रैकेट में, तो 2 का 2 रहेगा, लेंथ मिली 32 और ब्रेथ मिली 21, तो आया 2 मल्टीप्लाई बाय 53, इट गिव्स 106 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ने सॉर्ट आउट किया है, आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस लिख के देता हूं, आप आंसर्स निकालोगे और मेरे से वेरीफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो 5 में यहां लिख देता हूं आपके लिए कि गिवन कंडीशन क्या क्या है, उसका आंसर क्या मिलता है, आपसे बात करेंगे। ये कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका मेजर का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या मिली कि लेंथ मिली, कितनी मिली कि 0.7 किलोमीटर, उसके बाद ब्रेथ मिल गई हमें 0.5 किलोमीटर। आगे पूछा गया है ईच साइज इज टू बी फेंस विद 4 रो ऑफ वायर, यानी हर किनारे पर उसको 4 टाइम वायरिंग करनी है, यानी किनारे किनारे करेंगे, किनारे किनारे करने का मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, पेरीमीटर। वायरिंग कितनी टाइम करेंगे, 4 टाइम। तो आप लोग क्या करोगे, पहले पेरीमीटर निकालोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या कहा कि इसकी बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री पे वायरिंग कितनी टाइम करनी है हमें, 4 रो में, ठीक है ना, वायरिंग कितनी करनी है हमें, 4 रो में करनी है, ठीक है, चलें करें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेरीमीटर निकाला, अब देखते हैं किसका आंसर गलत था किसका सही था। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होगा, तो 2 का तो 2 रखेंगे हम लोग और 0.7 प्लस 0.5, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इट मींस 2.4 किलोमीटर। ये तो बना देखो अपना पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किससे भी बात की थी, उसका आंसर गलत था अपना, क्योंकि उसने हमें पेरीमीटर कितना बताया था, 1.2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ वायर फॉर 4 रोज, 4 रो के लिए कितना बनेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.4, इट गिव्स 9.6 किलोमीटर। सेकंड आंसर किसने दिया था, वुमन ने दिया था, शायद उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, चले। तो ओवरऑल कितना किलोमीटर वायर रिक्वायर्ड हो गया अपने को, 9.6 किलोमीटर लेंथ का, ठीक है, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच। फर्स्ट दिया है ट्राइंगलर ऑफ साइड 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की थ्री साइड सी, मैंने फर्स्ट को ए माना, सेकंड को बी और थर्ड को सी मान लिया। साइड्स दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। हमने तो क्या लिखा था एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या था कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम कर दो, कर दें सम यानी ऐड कर देते हैं, तो लिखेंगे 3 + 4 + 5 इट गिव्स 12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा काम था, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल। तो यहां लिखा मैंने लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा, वही है ना, क्या 3a, तो 3 × 9 कर दो, 9 × 3 = 27 कह दें। अगर किसी को 3a याद नहीं रहता है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें भी साइड्स तो 3 होगी बेटा अपने पास, है ना, तो 3 × 9 = 9 लिख देंगे, तो 9 + 9 + 9 = 18 और 9 = 27। ठीक है, बट हमने एक बात की थी ना कल रेगुलर की, तो यहाँ इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा, रेगुलर। थर्ड वन क्या पूछा देखो, आइसोसेलस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स यानी ए बी और सी। आइसो में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती है, इक्वल साइड कितने की दे रखी है हमें, 8 की, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। सेकंड साइड भी हमने 8 सेंटीमीटर दे दी, थर्ड साइड को हमने 6 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, बस तीनों डिफरेंट बन गई, इसका मतलब पेरीमीटर निकाल दें तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो 8 + 8 + 6 तो आया 22 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा काम था, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डू योर सेल्फ कर लेना बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ पेरीमीटर फाइंड आउट करने का है और लेंथ ऑफ साइड्स दे रखी है 10, 14 और 15, हो जाएगा सिंपल सा काम है, तीनों को ऐड ही करना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा मतलब क्या होता है, जिसकी साइड्स कितनी होती है, 6। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 6a यानी 6 × साइड। लेंथ ऑफ साइड कितनी मिली बेटा हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो क्या फाइंड आउट करना था हमें, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर था बेटा, हेक्सागन का। हेक्सा का मतलब इसकी साइड्स कितनी होती है, 6। रेगुलर है यानी इक्वल है, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर। सॉरी ये मीटर में दे रखा है, तो उसको मीटर में ले आएंगे आंसर हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है ना, वो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को।
कुछ नहीं कहा इसने, कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर ऑफ इज 20 सेंटीमीटर। दिया हुआ क्या है हमें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब तक के क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर पूछा जाता था और साइड दे रखी होती थी, है ना, बट यहां क्या दिया इसने, पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड पूछी हुई है। तो देखो हमने अब तक क्या लिखा बेटा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो एक रेगुलर हेक्सागन होता है पॉलीगन, तो उसका पेरीमीटर 4 into a, a डिनोट करता है साइड को। तो देखो स्क्वायर क्या, पेरीमीटर कितना मिला मुझे 20, किसके इक्वल हो गया 4 multiply by a के। यहां 4a से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई इधर करेगा तो उधर जाते ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 20 upon 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इट मींस 5 centimeter। ये 5 सेंटीमीटर हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चले नेक्स्ट में भी सेम ऐसा ही है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब क्या होता है जिसकी साइड्स कितनी होती है 5। दिया हुआ क्या है हमें के पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटा मीन्स 5 साइड, कितना मिला मुझे 100 centimeter। तो जैसे हमने यहां लिखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसकी जगह अब क्या कर देंगे कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 5a के, फॉर्मूले लिखे थे हमने, तो पेरीमीटर की जगह हमने कितना लिखना है बेटा कि 100 और 5 multiply by a कर दें। यहां 5 multiply में है, यहां डिवाइड में आ जाएगा, इट मीन्स a किसके इक्वल आएगा अपना के 100 upon 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 20 centimeter। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। अगर किसी ने एक बार फॉर्मूला पुटअप कर लिया, दिमाग में बिठा लिया कि ये आइडेंटिफिकेशन इसकी ऐसे होती है, तो शायद आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक ये 10.1 आज मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगी, है ना। कल संडे फिर हॉलीडे, आज पीडीएफ नहीं तो कल पीडीएफ प्रीवियस चैप्टर की, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम मिलेगा उसको करने के लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, काफी लंबा क्वेश्चन दिया है ये, ले रहा है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग यानी धागा जो है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड इफ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो हम यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। देखो बात को ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इस स्ट्रिंग को मैं क्या बना देता हूं स्क्वायर, एक धागा था मेरे पास, मैंने धागे को लिया और उसको एक स्क्वायर का शेप दे दिया, धागा कैसा बन चुका है मेरा स्क्वायर शेप्ड, धागे से क्या बना है मैंने एक स्क्वायर, यानी जो वायर था मेरे पास उस पूरे वायर को मैंने इस स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। तो धागा कहां कहां लगा बेटा, बाहर बाहर लगा, यानी ये सारा धागा जो था वो किसमें बदल गया, इसके नो डाउट पेरीमीटर में। तो फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर के लिए, तो किसका पेरीमीटर बना बेटा अपना स्क्वायर का, ठीक है। तो पेरीमीटर
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर 30 सेंटीमीटर। और हमने क्या देखा हुआ है कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a के इक्वल। पेरीमीटर कितना मिला हमें कि 30, किसके इक्वल आएगा कि 4 इंटू ए के। प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड में चला गया, a इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 आया, 4 से इसको डिवाइड किया, आंसर आया 7.5 सेंटीमीटर। यानी अगर इसी स्ट्रिंग को मैं स्क्वायर की शेप में बदलता हूं तो स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। तो लिखा लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल्स टू 7.4 सेंटीमीटर। सेकंड बात मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसी स्ट्रिंग को लेकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं, क्या बनाता हूं मैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होगी बेटा, इक्वल। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, सेम एज, वही वायर किसमें बदल गया है, इसके पेरीमीटर में, है ना। तो पेरीमीटर कितना आ गया फिर, इसका भी वही आएगा क्योंकि धागा हमने वही लिया है 30 सेंटीमीटर लंबा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है बेटा कि 3a के, या 3 मल्टीप्लाई बाय a कर दें। पेरीमीटर किसके इक्वल था 30 के, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय a, इधर 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाते ही डिवाइड में, तो 30 अपॉन 3 ये कैंसिल हुआ आपके 10 टाइम, इट मींस 10 सेंटीमीटर आ गई किसकी लेंथ, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर। बट आगे क्या पूछा एक पार्ट और, कि अगर मैं इसी को रेगुलर हेक्सागन में बदल देता हूं, हेक्सागन मतलब जिसकी साइड्स होती है 6। चलो बना देते हैं एक हेक्सागन भी आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये छोटा सा हेक्सागन बनाया, उसकी लेंथ ऑफ साइड भी सबकी इक्वल होगी, यानी ए ए होगी सबके लिए, यानी इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा बेटा अपना, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 6a। पेरीमीटर कितना था, वही 30 था, धागा तो वही काम में लिया हमने, तो 6 इनटू a, देन a इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 6, 6 वन जा 6, 6 फाइव जा 30, इट मींस लेंथ ऑफ हेक्सागोनल साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब एक ही धागे को बदला, देखो हमने सब में अलग अलग, मैंने जब स्क्वायर में बदला उसको तो उसकी साइड मिली 7.5, जब मैंने उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बदला तो उसकी लेंथ ऑफ साइड मिली 10 सेंटीमीटर, जब हेक्सागन में बदला तो उसको मिला मुझे 5 सेंटीमीटर। आई थिंक यहां तक बात सबके क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 सबके समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। हमें बताया देखो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, ये कह रहा है टू साइड, तो थर्ड कहां गई बेटा, थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो साइड ए मिल गई मुझे 12 सेंटीमीटर, साइड बी मिल गई मुझे 14 सेंटीमीटर, और साइड सी मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने एक्स सेंटीमीटर मान लिया क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स, और मैथ्स में बिना पढ़े माने कुछ बात होती नहीं है, एक्स मान लिया। इस क्वेश्चन में हमने इसे पेरीमीटर भी गिवन दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। थर्ड साइड पूछा है, तो देखो हमें पता है पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है ना। अब देखो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दिया मैंने 30,
ए गिवन है क्या हमें? यस। बी गिवन है? नो डाउट गिवन है। सी है क्या? अननोन है। देखो 30 का 30 इक्वल का इक्वल, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, बन गया मेरा 26, यहां आया प्लस का एक्स। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जब मल्टीप्लाई का साइन था तो सेकंड साइड ले जाते, मैंने इसको डिवाइड में लेके गया था। सेम एज यहां देखो, ये प्लस का साइन है दोनों के बीच में, यानी ये जब इधर आएगा तो माइनस करेगा, इट मींस एक्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस 26, दैट मींस एक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 4 सेंटीमीटर मिली। एक्स किसके इक्वल मिल चुका है हमें? 4 सेंटीमीटर। और एक्स किसको डिनोट किया था हमने? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। सो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज गोज टू 4 सेंटीमीटर। चल देखो इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं वापस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसी भी ट्राइंगल्स की टू साइड्स गिवन है। ट्राइंगल की क्या है? टू साइड्स गिवन है, ए और बी। तो ये था अपना, मान लिया जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल्स की हमें टू साइड्स गिवन दे दी। मान लिया ए दे दिया मुझे 12 सेंटीमीटर का, बी दे दिया मुझे 14 सेंटीमीटर का। तो ये सी भी तो कुछ लेंथ होगी, तो उसको हमने एक बार के मान लिया क्या है? एक्स रूपी से। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी उसने मुझे क्या कहा कि ये 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और एक्स सेंटीमीटर तीनों जब मिलते हैं तो 30 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जैसे अभी एक मदान साहिबा ने बोला कि सर 36 दे रखा है, तो मेरे पास जो बुक है उसमें 30 दे रखा है, आपके पास अगर 36 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ से मैथ में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, बट आंसर सबके निकलते हैं। ठीक है, जैसी वैल्यू दे रखी होगी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हम तीन लोग थे, तीनों को मिला के कितने रुपए थे हमारे पास में? 30 रुपीज थे। मान लिया दो जनों के पास, एक के पास 12 रुपीज थे, एक के पास 14 रुपीज थे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा थर्ड नंबर पर्सन जो था उसके पास कितने रुपए हैं? तो आप क्या कहोगे? सिंपल सी बात है, सर कुल मिला के 30 रुपीज होते हैं, मैंने मेरे पैसे कितने थे कि 12 रुपए थे मेरे पास, आपके पास कितने थे कि 14 रुपए थे, दोनों को जोड़ करके 30 में से माइनस कर देते हैं। यही कहा था आपने, चलो हमने वही काम किया। देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका पेरीमीटर किसके इक्वल था? 30 के इक्वल था। 30 में कौन था? ए था, बी था, सी था। ठीक है, यानी ए कितने रुपए दिए थे इन्हें? 12। बी ने 14 रुपीज दिए, सी ने पता नहीं कितना दिया, वो बताना था मुझे। तो मैंने क्या किया, 12 और 14 को पहले ऐड कर लिया, ऐड करके इस 30 में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस करते ही बच गया मेरे पास, एक्स के पास कितने रुपीज थे? 4 रुपीज। अगर मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि मेरा पेरीमीटर किसके इक्वल था बेटा क्वेश्चन? 36 के अकॉर्डिंग, तो जहां मैंने 30 लिखा है उसकी जगह आप क्या कर दोगे? 36 कर दोगे। तो 36 करते तो 36 में से 26 लेस होते, रिमेनिंग कितना बचेगा अपने पास? 10। तो हमारी थर्ड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। थर्ड साइड किसके इक्वल बन जाएगी हमारे? 10 सेंटीमीटर के इक्वल बन जाएगी। आई थिंक यहां तक की बात सबके क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ करते हैं अप टू 12 क्वेश्चन, इसके बाद के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट आता है तो डाउट पूछ लेना, अदरवाइज आगे क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। ओके बाय बेटा।